जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश। कुछ दिन से मैं PS5 एक्सपीरियंस कर रहा था, इसके बारे में आपसे बात करता हूँ और बॉक्स में देखें क्या क्या मिलता है। 4K 120 FPS के चक्कर में भाई हमने टीवी खरीद डाली थी इसके एक्सपीरियंस के लिए। कंट्रोलर, ये सभी वायर है कनेक्शन के लिए और ये PS5 रखने के लिए। ये आ जाता हमारा मेन PS5, पूरा एलियन टाइप डिज़ाइन में और मेरा फेवरेट मैट फिनिश है बाहर। अंदर ये वाला पार्ट शाइनी है और यहाँ है सारे कनेक्टर। और अभी नंबर है गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करने का, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मैं फर्स्ट टाइम PS का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कोई एक्सबॉक्स वगैरह का एक्सपीरियंस नहीं किया, सो मैं एक न्यू खिलाड़ी हूँ आप ये मान सकते हो। एकदम फर्स्ट डे है ये, आज मुझे इसका FPS नहीं पता, मैं चेक करूंगा रिव्यू तक। क्या मजा है यार, ये इतना स्मूथ कैसे हो सकता है एकदम। तो मेरी टीवी तो 4K 120 FPS है, मैंने वही HDMI कनेक्ट किया हुआ है 4K 120 FPS वाले में। इसके अंदर गजब की वाइब्रेशन हो रही है हर एक्शन पे, पूरी मोटर इसकी वाइब्रेट करती है अंदर। पहले सीख लेते हैं ना। ये मेरा एक बेसिक सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। इसके चक्कर में ऐसे टीवी वगैरह भी बाय कर लिया था मैंने, क्योंकि 4K 120 FPS खेलना था, लेकिन कुछ खेल कुछ अलग ही हो गया भाई 120 FPS के चक्कर में। वो सारा एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर हैं, डेफिनेटली आपको उनको कंसीडर जरूर करना चाहिए अगर आप बाय करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं अलग अलग तरीके के स्मार्टफोन रिव्यू करता हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट भी कई बार कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो सोचा क्यों ना इसका एक इनिशियल एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कैसा रहा। क्योंकि इसको देखा जाए ना, एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा और टाइम चाहिए, लॉन्ग टाइम चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ऐसा तो नहीं हम दिन भर गेम ही खेलते रहते हैं। तो वो सारी बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा, अगर कोई PS5 या PS4 का एक्सपर्ट है भाई, तो कोई टिप्स एंड ट्रिक वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये मेरा कंप्लीट सेटअप था, 4K 120 FPS टीवी और ये रखा हुआ है PS5। तो जो ये लाइट्स वगैरह है ना, काफ़ी कूल लगती हैं। ये मैट फिनिश पसंद आता है, ये भी मैट फिनिश में होता है तो मज़ा आता। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये कंट्रोलर किसी भी गेम को खेलने के लिए। सो ये ना वाइट कलर का है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा गंदा सा हो गया, कई दिन हो गए। तो मैंने PS4 वगैरह देखा नेट पे, तो इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया इन्होंने, वाइब्रेशन फीडबैक वगैरह दे रखा है। ये टच वाला सिस्टम है, ये अलग बात है कि इसका यूज़ गेम में नहीं देखा मैंने अभी तक। ये जॉयस्टिक हो गया इसका, एंड L1 L2 R1 R2 जो काफ़ी एक सॉलिड सी आवाज़ करती हैं। ये स्पीकर है, ये PS5 का होम बटन है, और ये हमारे पास एक माइक को ऑन ऑफ करने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर आप अपना हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, और टाइप सी वाला चार्जिंग सिस्टम है, एक बार चार्ज करने से अच्छा खासा चलता है, डिपेंड करता है कौन सी गेम में कितना वाइब्रेशन वाला सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके अंदर भी लाइट जलती है भाई, ये जैसे ब्लू लाइट्स हैं, उसके बाद इसमें रेड लाइट्स भी आती हैं अगर आप पेयर करते हैं। बाकी ये साउंड आप सुन रहे होंगे, इसमें बेसिकली ये गेम है, इसको कंट्रोलर का पूरा गाइड करता है कितनी तरह के वाइब्रेशन होते हैं, कितने साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ये टीवी के साउंड को म्यूट कर दिया, तो इसका जो स्पीकर है ना, यहीं से पूरा साउंड आने वाला है। तो इसमें क्या वही फील मिलती है जैसे इसको मैं मार रहा हूँ ना, पूरा वाइब्रेशन, अब ये वाइब्रेशन कर रहा है इस टाइम पूरा, एक बहुत ही प्यारा सा, मैं आपको सुनाता हूँ पूरा वाइब्रेशन फील कुछ ऐसा सा है। वाइब्रेशन आप फील नहीं कर पाओगे, बट पैर से चलने की आवाज़ वगैरह सब करता है। लेकिन क्योंकि जब मैंने बाकी गेम्स खेली, जैसे इस वाली गेम में अगर हम लोग चलते हैं ना, तो उस टाइम कोई भी पैरों की आवाज़ इसमें फील नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ये डेथ हुआ ना अभी, जैसे गहरे खाई में चला गया, तो इसको फील कर सकते हैं वाइब्रेशन को। जैसे यहाँ पर कोई फील नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अटैक करता हूँ किसी पे, वाइब्रेशन और साउंड दोनों फील कर सकते हैं। और ये 4K एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये है लाइक 4K 60 FPS।
तो ये 4K 60 FPS है, लेकिन सैडली इसको मैं 120 FPS पे नहीं खेल सकता क्योंकि गेम सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पर सिनेमैटिक मोड और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मोड पे 60 FPS मिलता है, और अगर सिनेमैटिक मोड पे करते हैं तो इसको मैं सिनेमैटिक मोड पे तो नहीं खेल सकता, इतना ज़्यादा जर्किनेस फील होने लग जाता ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने 60 FPS पे खेला और डेफिनेटली मार दिया मुझे। यस यू, और ये जो एक्सपीरियंस है वो उतना बेटर नहीं है, यहाँ से परफॉर्मेंस मोड पे ही करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का और स्मूथ सा है। सो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, मतलब 60 FPS पे इसका जो 4K साइज पे आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी कमाल है, 120 FPS की गेम मुझे मिली नहीं। तो ये थोड़ी सी अजीब बात है, स्पाइडरमैन करके एक गेम है उसको मैंने ऑर्डर किया था, बट ये पता लगा कि वो भी 4K 120 FPS पर नहीं प्ले होती, हालांकि उसमें कुछ सेटिंग वगैरह करना पड़ता है। ये इसमें ना डिस्क लगती है, मतलब सीडी लगा सकते हैं इसको आप मस्त, ब्लू रे। इसका रेट 50,000 रुपये है और बिना डिस्क के साथ इसका जो रेट बनता है वो 40,000 रुपये है। बट टेक्निकली अगर आप सोचोगे ना गेम्स को, मतलब अगर आप सीडी के साथ ऑप्शन में बाय करते हैं तो आप सीडी को बाद में बेच भी सकते हैं, मतलब 5,000 की गेम्स हैं, कई बार 6,000 की भी हैं, 2,000 की गेम्स भी हैं, और इसको आप 50,000 का ही मत समझना, सिर्फ 50,000 तो कहने का है, एक्चुअल में जो इसकी गेम्स हैं उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारी गेम्स सस्ती हैं, बहुत सारी गेम्स महंगी हैं। जैसे ये इनका स्टोर है, स्टोर पे जाने के बाद मैं आपको गेम्स दिखाता हूँ। ये PS4 वाली गेम सारी सपोर्ट करता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये PS5 की गेम्स है, 2500 के आसपास, 3400, नीचे ये 5000 की गेम है। कुछ गेम्स सस्ती भी हैं 249, लेकिन ये बेसिक गेम्स है। जो जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस गेम का अगर आप रेट देखोगे ना 4000, और उसके बाद अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूँ तो ये भाई 4800 की गेम है। अमेजोन से अगर आप मंगाते हैं तो आपको एक सीडी मिल जाएगी जिसको आप बाद में कुछ भी किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं घर में जो ये सब बाय करते हैं, वैसे स्टूडेंट भी है, मतलब थोड़े महंगे स्टूडेंट होते हैं वो। सिलेक्टेड गेम्स फ्री है, लेकिन पॉपुलर गेम्स सभी पैसा देना होगा, और जाहिर सी बात है देना भी होगा, डेवलपर लोग जो काम करते हैं वो फ्री में तो नहीं कर सकते, बट इट डिपेंड्स कि किस तरीके से चीज़ें इसमें रेट लागू होती है। AMD का ही CPU GPU यूज हुआ है, 16 GB की रैम है, लेकिन जो इसकी स्टोरेज है वो 800 GB के आसपास है, जिसमें से 600 GB के आसपास आपको खाली मिलने वाला है, क्योंकि इनका अपना OS भी है इसके अंदर। भाई देखो जो इनका OS का एक्सपीरियंस है वो मुझे अच्छा लगा, फास्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता बूट होने में या कोई भी चीज़ ओपन करना हो। लेकिन जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है ना, ये 225 GB की है, तो ऐसे ही कोई कोई जो गेम है ना ये इससे भी ज़्यादा, 250 GB से भी ज़्यादा की है। तो इन केस में क्या होगा, आप 2 से 3 गेम रख सकते हो इसके अंदर, हालांकि कुछ गेम्स कम की भी हैं, कोई 15 GB की है, कोई 20 GB की है, कोई 50 GB की है, लेकिन जाहिर सी बात है PS5 लोगे तो फिर भाई कुछ तगड़ी गेम्स आप ट्राई करोगे। लेकिन हाँ, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हो जिसमें आप अपनी गेम्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत तो वही है ना कि यहाँ पर एक 50,000 रुपये का अच्छा खासा था, यहाँ पे थोड़ा SSD और ज़्यादा की होनी चाहिए थी। तो मैंने इसमें कुछ गेम्स ट्राई करी, जैसा मैंने कहा कि सारी गेम्स अभी, इवन बहुत सारी गेम तो 60 FPS को सपोर्ट नहीं करती, बहुत सारी गेम आनी है जो PS5 में अपकमिंग शो कर रही हैं, तो उस टाइम धीरे धीरे चीज़ें ऑप्टिमाइज होंगी, और ये जो कंट्रोलर है मुझे लगता है ये भी क्या होगा गेम के साथ अलग अलग तरीके से काम करना शुरू करेगा, तो वो सब फ्यूचर में पता लगेगा क्या कैसे होने वाला है। तो जहाँ से इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी कुछ कूलिंग वगैरह वाला सिस्टम जो है ना पूरा ठंडा रखने का काम आता है, तो इसीलिए इसके नीचे एक स्टैंड वगैरह दे रखा है, तो ताकि अगर इसको आप नीचे रखते हैं तो एक हल्का सा नीचे गैप बना रहता है। इस पे गेम को खेलना अपने आप में काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है, और आप गेम को स्ट्रीम भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रीम करते टाइम जहाँ तक मैं जानता हूँ डॉल्बी का ऑप्शन काम नहीं करता। वैसे ये डॉल्बी HDR 8K तक सपोर्ट करता है 4K 120 FPS, लेकिन 4K 120 FPS पे गेम्स ना के बराबर है, मतलब मुझे तो कोई गेम नहीं मिली पर्सनली डायरेक्ट, और मैंने ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी गेमें खरीद ली हो, भाई क्या क्या कितना खरीदा जाए। आखिरी सवाल है कि क्या ये वर्थ है, जैसे गेमिंग ही करना है। अब जैसे एक स्मार्टफोन आ रहे हैं आजकल 40,000-50,000 के सिर्फ गेमिंग को टारगेट करते हुए, जैसे कि ROG 5 वगैरह, वो स्मार्टफोन है तो उससे आप थोड़ा बहुत कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन अगर घर में खेलना है और एक मतलब बड़ी स्क्रीन पे गेम का मज़ा लेना है तो इसमें उसमें बहुत फ़र्क है। तो मैं कहूँगा हाँ, ये लिया जा सकता है, महंगा तो है, उसके बाद ये महंगे के बाद गेम्स जो है इसकी महंगी हैं, और अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो अलग से एक हार्ड डिस्क वगैरह भी खरीदना होगा, तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसकी कॉस्टिंग को बढ़ा देती हैं, तो उस टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि कहने को 50,000 का। लेकिन जो भी है, जो लोग गेम के शौकीन होते हैं, गेमर्स जो टाइप होते हैं ना, वो लोग भाई इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं तो गेमिंग लैपटॉप का भी कॉन्सेप्ट देखा जाए ना, कोई लॉजिकल नहीं था। गेमिंग पीसीज जो होते हैं उनको आप कितना भी पावरफुल बना सकते हो, लेकिन फिर भी लोग गेमिंग लैपटॉप लेते हैं क्योंकि उनको मतलब खेलना है, तो ऐसे ही कुछ ये है। तो यस, ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया ये।
तो ये था मेरा एक एक्सपीरियंस, और इसको एक्सपीरियंस को मैंने इसलिए भी शेयर किया, फ्यूचर में जब भी PS6 आएगा या फिर एक्सबॉक्स या कुछ नई चीज़ जब आएगी तो उसको मैं और बेहतर से एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।